हमारी गाड़ी लगने जा रही है प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे। ट्रेन के अंदर आपको 6 से 7 जनरल बोगी मिलने वाली हैं, तो अगर आप टिकट करा के नहीं आते तो जनरल बोगी में जा सकते हैं। ट्रेन हमारे अंदर पहुंच का कुछ किस तरह से पूरा इंटीरियर 3x3 की पूरी सीट होने वाली है। हमारी इस ट्रेन ने वंदे भारत की स्पीड को भी बीट मार दिया है। और अमृतसर का रेलवे स्टेशन, जैसे आप यहाँ से बाहर आओगे इसके जस्ट सामने ही आपको फ्री बसेस की सर्विस मिल जाती है, गोल्डन टेम्पल की तरफ ले जाती है। हे गाइस, मैं हूं जीतू और फिर से आपका स्वागत है एक नए जर्नी ब्लॉग में। और आज की वीडियो में मैं आपको दिल्ली से अमृतसर की एक ट्रेन जर्नी करवाने वाला हूं। और साथ साथ आपको बताऊंगा कि अगर आप प्लान कर रहे हैं दिल्ली से गोल्डन टेम्पल जाने का, तो आप बाय ट्रेन कैसे जा सकते हैं, ट्रेनों के क्या टाइमिंग है, कितनी किस किस तरह की ट्रेनें हैं। और इस वीडियो में मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगा कि आप कम से कम टिकट प्राइस में अमृतसर कैसे पहुँच सकते हैं और गोल्डन टेम्पल दर्शन कर सकते हैं, और साथ साथ वहाँ पर रहने की व्यवस्था है। छोटी बड़ी सारी जानकारी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए आज मेरे साथ करिए दिल्ली से अमृतसर की एक ट्रेन जर्नी। बाकी अभी आप देख रहे हैं ये पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का बाहर का लुक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है और काफ़ी क्लासिकल लुक भी है इसका। ऐसे अंदर एंट्री करते हैं, कुछ इस तरह का इसका लुक है। और दिल्ली रेलवे स्टेशन का काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है। और जो हमारी गाड़ी है वो प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे आने वाली है। बाकी आप देख रहे हो काफ़ी सारे लोग अभी नीचे सो रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। और अभी घड़ी में देख सकते हैं 7:30 बज रहे हैं और हमारी गाड़ी है 8:15 की। वहीं बात करूँ अपनी जर्नी की, तो मेरी जर्नी ऑल दिल्ली रेलवे स्टेशन से होने वाली है। और बात करूँ स्टेशन कोड की, तो स्टेशन कोड है DLI। और वहीं बात करूँ नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की, तो यहाँ 16 है और ये इंडिया का टॉप 10 बिजिएस्ट प्लेटफॉर्म की कैटेगरी में भी आता है। अभी देख रहे हैं ये हमारी ट्रेन है, जो कि अभी प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर लगने वाली है। भाई 7:50 में हमारी गाड़ी लगने जा रही है प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे। और इस गाड़ी का बात करूँ यहाँ पे डिपार्चर टाइम का, तो वो है 8:15, तो करीब ऑन द टाइम ट्रेन लगती है। बात करूँ इसमें कोच पोजीशन की, तो इस ट्रेन के अंदर आपको 6 से 7 जनरल बोगी मिलने वाली हैं, तो अगर आप टिकट करा के नहीं आते तो जनरल बोगी में जा सकते हैं। और अभी देख रहे होंगे ज़्यादा भीड़ नहीं है, आराम से आपको सीट मिल जाएगी। और मैं वहीं बात करूँ अपनी जर्नी की, तो मेरी जर्नी होने जा रही है गाड़ी नंबर 22429 दिल्ली पठानकोट एक्सप्रेस से होने वाली है, जो कि दिल्ली से पठानकोट के बीच में रन करती है। और बात करूँ डिस्टेंस की, तो 554 किलोमीटर का डिस्टेंस 13 होल्ड के साथ 10 घंटे करीब में करती है। बाकी जो मैं जर्नी करने जा रहा हूँ इस ट्रेन से, वो करने जा रहा हूँ दिल्ली से अमृतसर। तो जो बात करूँ डिस्टेंस की, तो 447 किलोमीटर का डिस्टेंस होने वाला है और ये ट्रेन 10 होल्ड के साथ 7 घंटे करीब उतार देगी अमृतसर। तो देखते हैं किस तरह का पूरा एक्सपीरियंस होने वाला है। और मैं वहीं बात करूँ अपनी ट्रेन की, तो हमारी ट्रेन 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर लगी हुई है। और यहाँ से इसका बात करूँ डिपार्चर टाइम का, तो वो 8:15 है, तो 8:04 हो गए हैं, तो थोड़ी देर में हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्चर होने वाली है। और जो आज हमारी जर्नी होने जा रही है वो चेयर कार में होने वाली है, और जिसका टिकट मात्र 180 रुपीज़ है। तो आप इस जो ये ट्रेन है बहुत ही चीपेस्ट ट्रेन है, जिसमें आपको 180 रुपीज़ में एक सीट रिजर्व होती है, चेयर कार होती है, जिसमें आप कंफर्टेबल तरीके से जर्नी करते हैं। तो चलिए आपके साथ शेयर करता हूँ कि अंदर जो चेयर कार है किस तरह की होने वाली है और किस तरह का अंदर का इंटीरियर होने वाला है। तो पीछे मेरी गाड़ी लग चुकी है और आज जो मेरा कोच है वो है D6 और जो सीट नंबर है 72 विंडो साइड। टाइम भी हो गया हमारी गाड़ी का डिपार्चर का, 8:14 हो गए हैं, 8:15 का डिपार्चर है। तो गाइस हमारी ट्रेन 10 मिनट लेट अपने स्टेशन से निकल चुकी है, ऑल दिल्ली रेलवे स्टेशन से। और अभी आप देख रहे हैं डिपार्चर हमारी ट्रेन का ऑल दिल्ली रेलवे स्टेशन से। देख रहे हैं
किस तरह से यहाँ पर हाथ धोने का ऑप्शन है और मेरा जो काफ़ी ज़्यादा गंदा है। चलिए देखते हैं इसका अंदर का वॉशरूम किस तरह से है। ये देख सकते हैं इस तरह का ये वॉशरूम है, बाकी ज़्यादा क्लीन नहीं है और मिरर तो भाई पूरा ही गंदा सा है और कुछ इस तरह का पूरा ये वॉशरूम है, ज़्यादा साफ सुथरा नहीं है भाई। हमारे अंदर कोच का कुछ किस तरह से पूरा इंटीरियर है, 3x3 की पूरी सीट होने वाली है और सारी कोच है, पूरा चेयर कार है और इस तरह से ऊपर सामान करने का ऑप्शन है। चलिए चलते अपने सीट पर। सो फाइनली अभी मैं सीट पर बैठ गया हूँ और जो मेरी सीट थी वो है 72 और विंडो साइड है। अब आपको अपनी सीट दिखा रहा हूँ हमारी सीट किस तरह से होने वाली है। अगर आप चेयर कार से टिकट बुक करते हैं तो ये पूरी अपनी सीट है और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देख सकते हैं पहले यहाँ पे अपना पैर रखने का ऑप्शन है जो कि फुट रेस्ट के लिए काफ़ी सही रहता है अगर आप लॉन्ग जर्नी कर रहे हैं। और साथ साथ देख सकते हैं आपको यहाँ पे एक बोर्ड मिल जाएगा जहाँ पे आप आराम से अपना खाना पीना खा सकते हैं और कुछ अपना काम वगैरह भी कर सकते हैं। और साथ साथ यहाँ पे एक बोतल होल्डर है और साथ साथ जो चेयर है आपको एडजस्टेबल है तो आप इस चेयर को आप डिक्लाइन भी कर सकते हैं और आराम से रेस्ट करके जा सकते हैं और अपनी जर्नी को आरामदायक बना सकते हैं। बाकी अभी हमारी ट्रेन 10 से 15 मिनट यहाँ से डिले चली है, देखते हैं इसको अमृतसर पहुँचने में कितना टाइम लगने वाला है। बाकी अभी जो मेरी सीट है सबसे अच्छी चीज़ भाई ये है कि मुझे मिली है इमरजेंसी वाली सीट जो कि मेरे लिए बेस्ट होने वाली है आपके लिए इस तरह से वीडियो दिखाने के लिए। बाकी आप देख सकते हैं ट्रेन उसी टाइम पर चली थी जब हमारी ट्रेन चली थी ये गाड़ी और अभी साथ साथ इसकी चल रही है कंटिन्यूसली, देखते हैं कहाँ तक ट्रेन हमारी इस गाड़ी का चलेगी। अभी हमारी गाड़ी का पिकअप बैठने का आपको उसकी लाइव स्पीड भी दिखाएंगे हम। तो भाई अब अपनी ट्रेन ने पकड़ ली स्पीड, अब देखते हैं भाई कितनी स्पीड भागती है। अब गई भाई मालगाड़ी है, अब हो जाएगी मालगाड़ी पीछे। ये देखो होते हुए मालगाड़ी पीछे हमारी ट्रेन ताबड़तोड़ तरीके से स्पीड खींचते हुए। और हमारी ट्रेन सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन को क्रॉस करते हुए और इसका यहाँ पे हॉल्ट नहीं है, इसको क्रॉस करेगी। और मैं भी आपको दिखाता हूँ अपने ट्रेन की लाइव स्पीड, जो देख रहे हैं अभी हमारी ट्रेन की लाइव स्पीड है, देखते हैं कितनी स्पीड तक हमारी ट्रेन ये जाती है। तो अभी 60 से लेकर 70 के बीच हमारी स्पीड पहुँच चुकी है और भाई ये 80 तक पहुँचते हुए 80 पहुँच गई हमारी गाड़ी की स्पीड। ये लो भाई 90 की स्पीड पार करते हुए, लो भाई हमारी 100 की स्पीड यहाँ पार हो गई हमारी ट्रेन की, देखते हैं मैक्सिमम स्पीड इससे कितने तक जाती है। 103, 105, ओ भाई स्पीड बढ़ती जा रही है इसकी, 7, 8, 9, 110, ओ भाई 110 की स्पीड पहुंच चुकी है, 111, ओ हो 115, 117, मतलब यानी 120 की स्पीड चल रही है कम से कम भाई ट्रेन हमारी, देखते हैं हमारी मीटर में 120 टच करती नहीं करती भाई। ये लो भाई 120 भी हमारी ट्रेन पार कर गई भाई साहब, क्या स्पीड है देखो, 122, 123, 124, ओ हो हो भाई क्या स्पीड हमारी ट्रेन की। ये देखो भाई इस समय ट्रेन की स्पीड 26, मतलब 130 तो भाई तक पहुँच ही जाएगी। ये लो भाई 27 पहुँच, 28, 30 पहुँच गई भाई हमारी इस ट्रेन ने वंदे भारत की स्पीड को भी बीट मार दिया है और इस समय हमारी ट्रेन 130 से ऊपर की स्पीड से चल रही है, 131 देख लो भाई, जो वंदे भारत की बोलते हैं ना सुपर फास्ट पर, कोई सुपर फास्ट नहीं भाई हमारी, ये नॉर्मल चेयर कार ट्रेन है वही इस 130 की स्पीड आराम से पार कर ले रही है। सो भाई इस 90 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के बाद हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है पानीपत जंक्शन स्टेशन घोड़े PNP और बागपुर नंबर 5 है और हमारी गाड़ी का यहाँ पे 2 मिनट का होल्ट है और हमारी गाड़ी यहाँ पे 15 मिनट लेट पहुंची है। सो भाई 2 मिनट का स्टॉपेज होने के बाद फिर से हमारी गाड़ी निकल पड़ी है अपने चलने की तरफ। जब हमारी दिल्ली से ट्रेन चल रही थी तो 23 मिनट की करीब लेट थी, अब हमारी ट्रेन वहाँ होगी
1:15 लेट है और अब हमारा स्टेशन आने वाला है, वो आने वाला है कुरुक्षेत्र। तो बस अभी गाड़ी पहुंच रही है भाई। गाइस 10 मिनट लेट हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है कुरुक्षेत्र जंक्शन, स्टेशन कोड है KKDE और हमारी गाड़ी का यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है। और बात करूँ नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म के तो यहाँ पे 5 हैं और जस्ट हमारी गाड़ी हवाई रुकी हुई है। बाकी ये प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है, देख सकते हैं। तो बाकी ज़्यादा टाइम नहीं है अपनी गाड़ी का, यहाँ 2 मिनट का ही हॉल्ट है। तो चलिए करते हैं अपनी गाड़ी को आगे डिपार्चर। सो गाइस 2 मिनट रुकने के बाद हमारी गाड़ी ने डिपार्चर ले लिया है कुरुक्षेत्र जंक्शन से और अब अपना नेक्स्ट स्टॉप जाने वाला है वो है अंबाला कैंट। भाई अंबाला कैंट से पहले हमारी ट्रेन रुक गई है आउटर पे और यहाँ से थोड़ी दूर पर अंबाला कैंट है। तो अभी कोई ट्रेन आने वाली जिसको ये पासिंग दे रही है भाई, मतलब वो ग्रीन लाइट है सामने। गाइस 10 मिनट बिफोर हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है अंबाला कैंट जिसका स्टेशन कोड है UMB। और बात करूं मैं नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म के तो यहाँ पे 7 हैं और हमारी गाड़ी जस्ट प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे ही आई हुई है। और अब पहले तो ये लेट चल रही थी, बाकी इस समय ये अपने टाइम से पहले प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे यहाँ लग चुकी है भाई। तो ये काफ़ी सही चीज़ है और आपने स्पीड तो देखी थी कितनी ज़्यादा इसकी स्पीड थी। बाकी यहाँ पे इसका 5 मिनट का हॉल्ट है, बाकी टाइम से पहले पहुँच गई है। और अभी घड़ी में देख सकते हैं 11:10 हो रहे हैं, तो 11:25 पर यहाँ से गाड़ी डिपार्चर होगी। बाकी देख लीजिए भाई अंबाला रेलवे स्टेशन कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में, ये देखिए। और सामने हमारा है इंडिया का फ्लैग।
सो गाइस हमारी गाड़ी 3 मिनट लेट पहुंच चुकी है लुधियाना जंक्शन। वहीं बात करूँ स्टेशन कोड की, स्टेशन कोड है LDH और बात करूँ नंबर प्लेटफॉर्म के साथ हैं और हमारी गाड़ी का यहाँ 10 मिनट का हॉल्ट है। 10 मिनट बाद हमारी गाड़ी लेगी डिपार्चर। बाकी अभी आप देख रहे हैं ये है लुधियाना जंक्शन और हमारी गाड़ी खड़ी है जस्ट सामने और देख सकते हैं ये पूरा लुक है यहाँ पे इस रेलवे स्टेशन का। ऑन द टाइम हमारी गाड़ी निकल चुकी है लुधियाना जंक्शन रेलवे स्टेशन से और अभी आप ये देख रहे हैं ये हमारी ट्रेन का डिपार्चर है। सो गाइस हमारी गाड़ी 15 मिनट लेट पहुंच चुकी है जलंधर सिटी जंक्शन और हमें बात करूँ स्टेशन कोड के, स्टेशन कोड है JUC और बात करूँ मैं नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म के यहाँ 5 हैं और हमारी गाड़ी का यहाँ 5 मिनट का हॉल्ट है और 5 मिनट बाद हमारी गाड़ी यहाँ से लेगी डिपार्चर। और अभी आप ये देख रहे हैं हमारी गाड़ी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर खड़ी है। तो चलिए चलते हैं और करते हैं अपनी गाड़ी को डिपार्चर और 5 मिनट का यहाँ पर ओनली हॉल्ट है हमारी इस गाड़ी का। तो गाइस 5 मिनट रुकने के बाद हमारी गाड़ी डिपार्चर ले रही है जलंधर से और अब हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज आने वाला है, वो आने वाला है अमृतसर। तो देखते हैं हमारी गाड़ी ऑन द टाइम पहुंचती है या अभी 15 मिनट लेट चल रही है उसी टाइम पे पहुंचेगी अमृतसर। सो गाइस 15 मिनट लेट हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है अमृतसर जंक्शन जिसका स्टेशन कोड है ASR और बात करूँ मैं यहाँ नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की तो 8 हैं और हमारी गाड़ी यहाँ 15 मिनट करीब लेट पहुंची है। बाकी भाई बात करूँ इस ट्रेन के एक्सपीरियंस की तो भाई एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और स्पीड तो मैंने आपको जैसे दिखाई थी और काफ़ी कंफर्टेबल जर्नी थी। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप इस ट्रेन को प्रेफरेंस कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया आपका एक्सपीरियंस होने वाला है। बाकी अभी बात करूँ देख सकते हैं ये हमारा है अमृतसर का रेलवे स्टेशन कुछ जस्ट सामने ही है और हमारी गाड़ी 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे जस्ट खड़ी है। और बात करूँ यहाँ पे इसके हॉल्ट की तो यहाँ पे इसका 25 मिनट का हॉल्ट यहाँ पे होने वाला है। और बात करूँ मैं अपने डिस्टेंस की तो हमारी गाड़ी ने 447 किलोमीटर का डिस्टेंस 7 घंटे में कंप्लीट कर दिया है और मुझे अमृतसर पहुँचने में 7 घंटे का टाइम लगा है। और अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, अभी मैं आपको यहाँ से बताऊँगा कि आप यहाँ से गोल्डन टेम्पल कैसे जा सकते हैं और यहाँ पे होटल्स का क्या प्राइस है, कैसे व्यवस्था है रुकने की। और बात करूँ यहाँ से डिस्टेंस की तो 1 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से मंदिर का। बाकी चलते हैं बाहर, आपको बताते हैं कि बाहर से आपको ऑटो या रिक्शा जो भी है कितने प्राइस में आपको मिलने वाला है। अभी आप ये देख रहे हैं ये अमृतसर रेलवे स्टेशन का बाहर का लुक है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाया हुआ है और देख सकते हैं पूरा आपको ऐसा लग रहा होगा जो गोल्डन टेम्पल है उसका स्वरूप देने की कोशिश करी गई है। बात करूँ मैं यहाँ से ऑटो की तो अगर आप ऑटो करते हैं तो आपको 20 से 30 रुपये चार्ज लेते हैं जो कि आपको गोल्डन टेम्पल के पास भी छोड़ देते हैं। अब बारी है बस की, बस आपको कहाँ से मिलने वाली है मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। ये बस आ गई भाई और यही बस है जो आपको, यही बस आपको गोल्डन टेम्पल लेके जाती है। जस्ट आप देख रहे हो ये है अमृतसर का रेलवे स्टेशन, जैसे आप यहाँ से बाहर आओगे इसके जस्ट सामने ही आपको फ्री बसेस की सर्विस मिल जाती है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गोल्डन टेम्पल की तरफ ले जाती है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ये बस है तो आप आराम से फ्री में जा सकते हैं, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है रिक्शे वगैरह को। और ये बस 24 घंटे सेवा उपलब्ध है, देखिए सामने बोर्ड पर लिखा भी हुआ है जो सेवा है 24 घंटे उपलब्ध है। तो आप किसी भी टाइम पर आएंगे चाहे रात में आए दिन में आए ये बस की सेवा आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी मैं अपने रूम पे आ गया हूँ, देखिए इसका पूरा बेलकनी एरिया है बहुत खूबसूरत सा और ये देखिए डाइनिंग एरिया है। बाकी मैं आपको अपना रूम दिखा दूँ कि मैं रूम किस तरह से पूरा है। अंदर एंट्री लेते हैं
तो हम जैसे एंट्री करेंगे कुछ इस तरह का पूरा हमारा रूम होने वाला है भाई। देख सकते हैं दो बेड है यहाँ पे, और ये देखिए कितना खूबसूरत सा यहाँ पे अपना विंडो मिल जाएगा जहाँ से बाहर का इस तरह से पूरा व्यूज़ आता है। और जो मैंने रूम लिया है वो लिया है एसी रूम, ये एसी रूम लिया है, और इस तरह से पूरा बेड है भाई, और एक विंडो इस साइड भी आपको देखने को मिल जाएगी, बहुत ही खूबसूरत सी विंडो है भाई यहाँ पे, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे एक टेबल मिल जाएगा अपना, यहाँ पे देखिए हमें टावल वगैरह मिला हुआ है, तो इस तरह से पूरा है, और एक टीवी, और यहाँ पे खूबसूरत सा एक शीशा जिसमें आप अपना सह सकते हैं, यहाँ एक सोफ़ा, यहाँ एक टेबल, और एक विंडो जस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी भाई। तो विंडोज़ काफ़ी सारी मिलने वाली हैं आपको। और अब आपको दिखा दूँ वॉशरूम के, वॉशरूम हमारा किस तरह से पूरा होने वाला है, और जो हमारा है ये कार्ड सिस्टम है यहाँ पे रूम का, ठीक है। तो कार्ड वाला ऑप्शन है, और ये हमारा खूबसूरत सा वॉशरूम है भाई, देख सकते हैं, और काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, देख सकते हैं यहाँ पे गीज़र वगैरह पूरा लगा हुआ है, तो स्पेस काफ़ी ज़्यादा है इस रूम में, देखिए काफ़ी ज़्यादा आपको स्पेस भी दिख रहा होगा इस रूम के अंदर। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी सी अलमारी मिल जाएगी जहाँ पे अपना आप सामान रख सकते हैं, देखिए, और काफ़ी ज़्यादा स्पेस है अपना, और जितना भी सामान है आप यहाँ पे अपना रख सकते हैं। तो कुछ पूरा इस तरह मैं बात करूँ रूम प्राइस की, तो अगर आप यहाँ पे एक नॉन एसी रूम लेते हैं तो वो आपको पड़ेगा 1000 रुपये का, और वहीं अगर एसी वाला रूम लेते हैं वो पड़ता है 1500 का। और जिस तरह का रूम मैंने लिया था ये रूम आपको 2500 का पड़ने वाला है, जिसमें आपको दो बेड होने वाले हैं, तो अगर हम 4 लोग आराम से यहाँ पे इसमें स्टे कर सकते हैं। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा और कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, तो आप एडवांस में बुक कर सकते हैं। तो गाइस मैंने आपके साथ दिल्ली से अमृतसर की एक ट्रेन जर्नी पूरी शेयर करी, छोटी बड़ी सारी जानकारी आपके साथ शेयर करी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो अपकमिंग ब्लॉग होने वाला है वो अमृतसर का ही होने वाला है, तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर नए चैनल पर। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपकमिंग नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।